राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको उपचट की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक साहूकार अपने साथ बेटा बहू के साथ रहता था। साहूकार गांव में जिस तालाब पर नहाने जाता था, उस तालाब पर साहूकार को एक बहुत बड़े संत लंकेश्वर महाराज जी मिलते। एक दिन लंकेश्वर महाराज जी ने साहूकार से कहा कि मैं तेरे यहाँ जीवने आना चाहता हूँ। साहूकार ने लंकेश्वर महाराज से कहा कि महाराज जी, मैं अपने बेटा बहू से पूछकर आपको बताता हूँ। उस दिन साहूकार घर आकर अपने सभी बेटा बहुओं से पूरी बात बताता है कि मुझे तालाब पर एक बहुत बड़े संत लंकेश्वर महाराज जी मिलते हैं। आज उन्होंने मुझे कहा कि मैं तेरे यहाँ भोजन करना चाहता हूँ। तब छह बेटा बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन सातवीं छोटी बहू ने अपने ससुर से कहा कि मैं खाना बना दूंगी, आप उन्हें जीवने का न्योता दे आइए। दूसरे दिन साहूकार वापस जब तालाब पर नहाने गया तो लंकेश्वर महाराज जी उन्हें वापस मिले। लंकेश्वर महाराज जी ने वापस साहूकार को वही बात दोहराई कि मैं तेरे यहाँ भोजन करना चाहता हूँ। तब साहूकार ने उन्हें अपने यहाँ जीवने का न्योता दे दिया। तब लंकेश्वर महाराज ने साहूकार से कहा कि अरे साहूकार, मैं 12 महीने में एक बार भोजन करता हूँ। तुझे एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भोजन कराते समय कोई विघ्न और कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, और ना ही घर में किसी प्रकार का कोई कलेश होना चाहिए, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। जब साहूकार ने यह सुना तो घर आने के बाद साहूकार ने अपनी छोटी बहू को पूरी बात बताई कि बहू, लंकेश्वर महाराज जी 12 महीने में एक बार ही भोजन करते हैं, घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो वो एक बहुत बड़े संत हैं, वो हमें श्राप दे देंगे। बहू ने कहा कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे कि लंकेश्वर महाराज को दुख पहुंचे और कोई उन्हें परेशानी भी नहीं होने दूंगी। लेकिन उसी दिन सातवीं बहू को माहवारी आ जाती है। सातवीं बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और उसने पड़ोसन को पूरी बात बताई कि आज मेरे घर लंकेश्वर महाराज जी खाना खाने आने वाले हैं, लेकिन आज ही मेरे कपड़ों की आ गई है, अब मैं भोजन कैसे बनाऊं? तब पड़ोसन ने कहा कि तुम 7 बार स्नान करो और 7 बार ही नए कपड़े पहनो, और उसके बाद रसोई चौका बर्तन पूरे साफ करो और उसके बाद ही तुम खाना बनाना। खाना बनाकर रख देना, तुम्हारे ससुर ही उन्हें खाना खिला देंगे, लेकिन तुम लंकेश्वर महाराज के सामने मत जाना। बहू ने हामी भर ली। बहू घर आई, घर आने के बाद वो 7 बार नहाई, 7 बार उसने कपड़े बदले, फिर रसोई चौके बर्तन को साफ करा और उसके बाद उसने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद उसने अपने ससुर को बता दिया कि खाना आप परोस देना। तभी लंकेश्वर महाराज आ जाते हैं। तब साहूकार लंकेश्वर महाराज को आसन पर बैठाकर पाटा लगाकर खाना परोसते हैं। तभी अंदर बैठी बहू
मन ही मन विचार करती है कि ऐसे बड़े संत हमारे घर आए हैं, एक बार मुझे देखना चाहिए कि वो किस तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे संत जो 12 महीने में एक बार भोजन करते हैं, मुझे भी उनके दर्शन तो करने ही चाहिए। तब अंदर कमरे की खिड़की में से पर्दा हटाकर सातवीं बहू लंकेश्वर महाराज के दर्शन कर लेती है। तभी अचानक लंकेश्वर महाराज की नज़र सातवीं बहू के ऊपर पड़ जाती है। तभी खाने में रखे हुए सभी सामान लट और कीड़ों में बदल जाते हैं। लंकेश्वर महाराज को गुस्सा आ जाता है। वो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने अपने तप और मनोबल से पता लगा लिया कि सातवीं बहू के कपड़ों की आई हुई थी, सातवीं बहू के रजस्वाला आई हुई थी, उसके बाद भी उसने खाना बनाया है और उसी खाने को उनको परोसा गया है। तब लंकेश्वर महाराज ने साहूकार से कहा कि अरे साहूकार, मैंने पहले ही तुझे हिदायत दे दी थी कि खाना खिलाने से पहले अच्छे से पता कर लेना कि किसी प्रकार का कोई विघ्न कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी तूने इस बात का ध्यान नहीं रखा, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अगले जन्म में एक राजा के घर पैदा होगा, लेकिन तेरी यह सातवीं बहू महतारानी के घर में एक सूडी का जन्म लेगी। साहूकार ने लंकेश्वर महाराज से अपनी गलती की क्षमा मांगी और शाप को वापस लेने के लिए कहा, लेकिन लंकेश्वर महाराज ने कहा कि मेरा दिया हुआ शाप अगर एक बार दे दिया तो वह वापस नहीं हो सकता। तब लंकेश्वर महाराज ने कहा कि अरे साहूकार, मैं 12 महीने में एक बार भोजन करता हूँ, अब मेरे 12 महीने किस प्रकार बीतेंगे। तब साहूकार ने वहीं रसोई में छीके में पड़ा हुआ माखन देखा, जिस पर बहू का हाथ लगा हुआ नहीं था। साहूकार ने माखन और मिश्री लंकेश्वर महाराज को परोस दिया। लंकेश्वर महाराज माखन और मिश्री खाकर चले जाते हैं। अगले जन्म में साहूकार एक राजा के घर पैदा हुआ और उनकी सातवीं बहू मैतर के घर में सूडी के जन्म में पैदा हुई। अब राजा जहां जहां भी जाता, वह सूडी राजा के पीछे पीछे जाती और राजा के अड़ जाती। राजा बहुत दुखी हो गया। तब एक दिन राजा ने ज्ञानी पंडितों से पूछा कि इसका क्या कारण है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ यह सूडी मेरे पीछे पड़ जाती है और वो मेरे अड़ जाती है। तब काशी के एक महान पंडित ने बताया कि आपको पूर्व जन्म का शाप लगा हुआ है और पूरी बात बताई। तब राजा ने कहा कि इसका क्या उपाय हो सकता है, पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। तब राजा ने पंडितों से पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि इस शाप से मुक्ति मिले और इस सूडी को गति मिले। तब पंडितों ने राजा से कहा कि जब भादवे का महीना आए और उपछट वाले दिन आप पूरे गांव को जिमाइए और पांडाल में नाली के नीचे इस सूडी को खड़ा कर दीजिए। सबका झूठा पानी जब इसके ऊपर गिरेगा, अगर गांव में किसी सुहागी ने उपछट का व्रत किया हो और वह अपनी 24 उपछट के व्रत का फल इस सूडी को देवे, तभी इसकी मुक्ति होगी। तब राजा ने जब भादवे का महीना आया तो उपछट वाले दिन पूरे गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरा गांव महल में जीमने के लिए आएगा। तब महल में एक पांडाल बनवाया गया, उस पांडाल में नाली के नीचे उस सूडी को खड़ा कर दिया। जब पूरा गांव जीम जीम के जाता तो
तो सब अपने झूठे हाथ उस नाली में धोते और उस नाली का पानी उस सूढ़ी के ऊपर गिरने लगा। तब उसकी गति हुई, परंतु फिर भी उसकी पूंछ हिलती रही। तब राजा ने वापस पंडितों से पूछा कि यह क्या बात हुई, ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी पूंछ तो अभी भी हिल रही है। तब राजा के एक मंत्री ने कहा कि राजा जी, गांव की एक डोकरी अभी तक जीवने नहीं आई है और सुना है कि उसने 12 और 12 मिलाकर 24 उपछट का व्रत किया है। जब वह डोकरी आए और आकर नाली में हाथ धोए और अपने 24 उपछट के व्रत का फल इस सूढ़ी को देवे, तभी इसकी गति होगी। तब राजा ने अपने पहरेदारों को भेजकर डोकरी को बुलवाया, लेकिन डोकरी ने अपने उपछट के व्रत का फल सूढ़ी को देने से मना कर दिया। तब राजा ने डोकरी से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू अपने व्रत का फल इस सूढ़ी को नहीं देगी तो इसको गति नहीं मिलेगी, ये ऐसे ही रह जाएगी, और अगर तू अपने व्रत का फल इस सूढ़ी को देगी तो मैं तुझे मुँह मांगा इनाम दूंगा। तब डोकरी ने राजा से कहा कि राजा जी, इस उम्र में मैं धन दौलत और इनाम को लेकर क्या करूंगी। तब डोकरी ने अपने झूठे हाथ नाली में धोए और अपने व्रत का फल उस सूढ़ी को दे दिया। उसी समय उस सूढ़ी की गति हो गई और लंकेश्वर महाराज का दिया हुआ शाप से वह मुक्त हो गई। तभी वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। वहां स्वर्ग लोक से एक देव विमान आया। बुढ़िया माई ने अपनी देह त्याग दी और एक सुंदर देह धारण करके उस विमान में बैठकर स्वर्ग में चली गई। वहां खड़े सभी लोगों ने यह दृश्य देखा तो हे लंकेश्वर महाराज, जैसा शाप आपने उस साहूकार की बहू को दिया ऐसा किसी को मत देना, और जैसी गति उस बुढ़िया माई की हुई वैसे सबकी हो। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।